आज हम बात करने वाले हैं संगीत के सुपरस्टार अल्ताफ राजा जी से, जिन्होंने आज हमें बहुत ही बेहतरीन दो सुपरहिट गाने दिए हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, ये हैदराबाद से बम्बई तक का सफ़र कैसा हुआ? दरअसल मेरा, आप बॉम्बे टू हैदराबाद और हैदराबाद टू बॉम्बे कह सकते हैं, मुझे अपना कॉल आया था जो अपना जो फिल्म के हीरो हैं मिस्टर एहसान खान का, कि हम एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें दो गाने आपके चाहिए। तो पहले तो मैं थोड़ा झिझका, मैं बोला किस टाइप के होंगे गाने, तो मैं बोला आप ज़रा मुझे उसके स्क्रैच भेज दीजिए तो मैं सुनूंगा, तो फिर मैं बोलता हूँ मैं अपनी तरफ से। जब मैंने सुना तो मुझे अच्छे लगे, मेलोडियस लगे, और मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी। और फिर बाद में उन्होंने करीब एक महीने के बाद उनका कॉल आया कि हम ये तारीख को रिकॉर्डिंग रख रहे हैं। फिर मैं उधर हैदराबाद में गया, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा केयर किया और रिकॉर्डिंग भी हमने हंसते खेलते किए। उसके बाद फिर मैं अपने शोज़ में बिज़ी रहने लग गया। करीब अप्रैल की बात थी, अप्रैल में जून जुलाई, हाँ जुलाई में फिर वापस फ़ोन आया उनका कि अल्ताफ जी हम सोच रहे हैं कि इसको आप ही पर पिक्चराइज करें। तो मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने शेड्यूल बनाया अगस्त का विशाखापट्टनम का। फिर हम वहाँ गए और दो दिन वहाँ आउटडोर लोकेशंस और बीचेस पे, जो विशाखापट्टनम के बीचेस बहुत मशहूर हैं, वहाँ उसको पिक्चराइज किया और इस तरह ये दोनों गाने बन पड़े। दो गाने की बात करते हैं, ये दो गाने कौन से जॉनर से रिलेटेड हैं, इधर रोमांटिक कॉमेडी और वॉट एवर? नो, दे आर द टू डिफरेंट शेड ऑफ लव, एक है सैड और एक है रोमांटिक। ओके, जब फर्स्ट अप्रोच किया, जब लिरिक्स राइटर जी और म्यूजिक डायरेक्टर, तो आपका एडिशन क्या रहा और उनका कितना सपोर्ट रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उन दोनों के बारे में बात? मेरा एडिशन दरअसल क्या है कि इतना कम्युनिकेशन गैप होता है। देखिए उन लोगों का, उनका जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जो यहाँ का बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का वर्किंग अलग होता है, साउथ का अलग होता है। तो उनका प्रॉपरली रहता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है गाने का, ये है, तो उसमें मेरा कुछ ऐड करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन ऑलरेडी गाने इतना मेलोडियस थे कि उसमें कुछ ऐड करना भी मैं अपने आप को समझ रहा था कि कुछ गलत होगा। तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे। तो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स के बारे में आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं, कैसा लगा आपको उनके साथ काम? बहुत यंग लड़का है अजय पटनायक, बहुत बेचारा शर्मीला, वो कहते हुए भी डरता था, तो मुझे घड़ी घड़ी मॉनिटर रूम में जाके सुनना पड़ता था कि क्या सही आया क्या गलत आया। तो इतना बेचारा सीधा है वो लड़का, मगर अच्छा उसने कंपोज किया है। और जो सुल्तान काजमी जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, वो तो बहुत अच्छे मैच्योर्ड है और बहुत अच्छे उन्होंने लिरिक्स लिखे ट्यून के ऊपर। तो आई एम डेफिनेटली दिस बोथ सॉन्ग्स विल वर्क। हम सब जानते हैं आज एग्जैक्टली 20 साल हो गया है अल्ताफ जी के साथ वीनस का जो कोलैबोरेशन 97 में तुम तो ठहरे परदेसी जो गाने से शुरू हुआ था, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। प्लीज से टू लाइंस अबाउट वीनस एंड चंपक जी। जी ज़रूर। वीनस के साथ करीब ने मेरी शुरुआत ही वीनस से रही है और आज तक है, और दे आर ब्यूटीफुल पीपल बाय हार्ट ऑल्सो बाय नेचर ऑल्सो। चंपक जी हैं, हमेशा मुझे ने एकदम भाई की तरह मुझे ट्रीट किया उन्होंने। एक दूसरे से जो लैंग्वेज गैप है वो कभी डिफरेंट नहीं रहा है, वो मेरे दिल को समझते, मैं उनके दिल को समझता हूँ, तो प्रॉपर वो अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं कुछ भी सुनाता हूँ तो उनको फौरन, और मैं वही चीज़ सुनाता हूँ जो उनको पसंद आए और वो फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरह हमारा वर्क आज तक चल रहा है। दो लाइन गुनगुना दीजिए। जी तो इस फिल्म का क्या कहा जी, इस फिल्म का तो एक, जब से हम ये एक गाना बहुत अपना रोमांटिक, मगर मुझे एक सैड सॉन्ग है, मेरे दिल को बहुत टच करता है। मोहब्बत में दिन ऐसे आ गए हैं कैसे, ना दिन में मुझको चैन है ना रातों में करार है, ना कोई उम्मीद है ना आस है ना प्यार है, हुआ है हसरतों का खून होश है ना अब जुनून, कैसी कश्मकश है खुदा। ये अभी आज ही ये गीत अपलोड हुआ यूट्यूब पर विनस की तरफ से, फिल्म दुल्हन हैदराबाद, दुल्हन हैदराबादी का, और मेरा और रेनू शर्मा जी का गाया हुआ। आप ज़रूर देखें और उसे लाइक करें, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.